अब तक आपने देखा। अच्छा तू एक काम करना, जैसे हम पार्टी में जाएंगे ना, तू अपने इस दुपट्टे से ना इस हथकड़ी को छुपा लेना। बहुत सारे लोग होंगे ना, अगर हमें वो इस हालत में देखेंगे तो बहुत सारे सवाल खड़े करेंगे। अरे यूं हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे? क्या बताऊं यार, तैयारी करने वाले तो आए थे सब, पर पता नहीं कहां से कुछ गुंडे घुस आए, वो तो सबको गाड़ी में ले गए। अरे नो फिकर, मैं लकी एंड बड़ो इज हियर, मतलब हम आपकी मदद कर सकते, मैं खाना बना दूंगी और यो सजावट भी कर देंगे। अब आगे तेरी की। अरे कैसी लगी हमारी तैयारी? अरे यार माइंड ब्लोइंग भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इतने कम समय में इतनी अच्छी तैयारी कैसे कर दी तुम लोगों ने। तू यो सब छोड़, बस यो बता कि ये सारी सजावट कैसी लगी, सही है ना? सही नहीं भाई, बहुत सही है यार। देख ये म्यूजिक प्लेयर तो मैंने घर से ले लिया, और ये माइक बगल की दुकान से ले लिया, जिसे गाना होगा गा लेगा यार। बस अब तो मेहमानों का इंतजार है। देख भाई तूने इतना कुछ कर लिया, अभी तू पार्टी को भी संभालना, ठीक है? और क्या बात है, बस इसी की कमी थी भाई। यहां यो रख दे यार। भाई तूने तो दिल जीत लिया यार, मजा आ गया यार। अरे लगा तूने सुना ना, नो फियर विन लकी कोमली चीयर। केवल थैंक यू से काम ना चलेगा, आपको हमारे साथ वो कपल डांस करना पड़ेगा। क्या हुआ? म्यूजिक के बिना कपल डांस? जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते। मैंने देखा तुझे भुला के हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे। बोल भरपाई। दीदी इभी तक आप घर ना आए से? के काम से? हाँ वो मैंने यो पूछने के लिए फोन किया था कि मारी अंग्रेजी की कॉपी देखी है क्या आपने? मारे को के मालूम, प्रधान को दी होगी, उसी से पूछ ले। मास्टर जी हेलो जी। मास्टर जी मैंने एक बात पूछनी से आपसे। हाँ भरपाई बताओ, क्या बात होगी? जी मारी अंग्रेजी की कॉपी आपके पास है क्या? भरपाई इस वक्त तो नहीं है हमारे पास। आप एक काम करो, आप कल क्लास आ जाना, क्लास से ले लेना आप अपनी नोटबुक। ना ना मास्टर जी, मारे को ना उसकी जरूरत से, मैंने अभी पढ़ना से, तो अभी क्या कर सकते हैं? अच्छा एक काम करो भरपाई, मैं भी अभी क्लास से ज्यादा दूर नहीं गया हूँ, आप क्लास ही आ जाओ, मैं आपको आपकी नोटबुक दे देता हूँ। जी जी ठीक से, मैं इभी आती सु। ठीक है भरपाई पहुंचो। ओके अरे प्रेम कैसा है? क्या बात है भाई, कह डाल रहा आज तो यार, अभी बहुत कमाल लग रहे हो। लकी कैसा है? क्या लग रहे हो भाई आप दोनों, आज शाम की पार्टी में ना कोई और दिखने ना वाला। सच्ची तू इतनी सुंदर लग रही है पिंकी, भगवान करे तन्ने किसी की नजर ना लगे, इब्बी मैं काला टिक्का लगा देती सु तन्ने। पढ़ो सुनना, जो सब बातें यहीं तक रहे तो ठीक से, माँ जी के कानों तक ना पहुंचनी चाहिए।
माँ जी पता से कि मैं मजाक कर रही हूँ पिंकी, तू इतना टेंशन ना ले, कि आज तो तू बस मजे ले। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, तो हिसार में हो रही आज की वैलेंटाइन पार्टी में आप सबका स्वागत है। आज की शाम हम फेस करने जा रहे थे ढेर सारी मौज मस्ती और बहुत सारा स्वादिष्ट खाना भी, और एक मौका मिलेगा जब आप अपने वैलेंटाइन के साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बिता सको। तो फिर आज की पार्टी का आगाज करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो है पेपर डांस। मेरा वैलेंटाइन डे तो तुमने मना दिया, वैलेंटाइन गिफ्ट नहीं लोगी? कि इस पार्टी में मौजूद सभी कपल्स के सामने एक पेपर रखा है, और जैसे गाना शुरू होगा कपल पेपर के ऊपर आएंगे और डांस करना शुरू करेंगे, और जैसे गाना बंद होगा कपल पेपर के नीचे जाएंगे और पेपर को फोल्ड करेंगे, और फिर गाना शुरू होगा और फिर ऊपर आके डांस करेंगे, और जैसे ही किसी का पैर जमीन पर टच किया तो वो आउट माना जाएगा, और जो अंत तक रहेगा वही हमारा विजेता माना जाएगा। सो अगर अपनी अपनी जोड़ी के साथ तैयार हो पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। मेरा भी पेपर डांस बहुत हो गया। राणा भाई अब आपको जीतना है।
राणा जी पिंकी ने उठा लीजिए, बहुत हल्की सी है, फूल जैसी। कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। सरप्राइज। आइए अंदर आइए ना। प्रज्ञा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? सरप्राइज। तेजी जी आप? हैप्पी वैलेंटाइन डे। पता आंसर? लीजिए लीजिए। वैलेंटाइन डे। योसेफ कैसा लगा आपको? योसेफ तो ठीक से, पर आपने हमें क्यों सरप्राइज दिया दीदी? तू तो घड़ी बाबरी से, तू ना समझेगी। इब हम चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, और आज वैलेंटाइन डे भी है, तो मैंने सोचा कि हम चारों मिलके यह दिन मना लें। इसलिए मैंने तो तेजू जी को भी यहाँ बुला लिया था जल्दी से। लेकिन मारे को तो कुछ पता भी ना था। हम तो यहाँ बस कॉपी लेने आए थे। हाँ अच्छा, तारे को किसने कहा था कि मास्टर जी को फोन कर? मैंने ना, मारे को पता था कि मास्टर जी ना थारी कॉपी देने के लिए तारे को भी साथ ही ले आएंगे। सॉरी मास्टर जी, मारे को यो सब सरप्राइज करना था ना, इसीलिए आपकी बैग में से बिना बताए चाबी ले ली थी। कोई बात नहीं प्रज्ञा जी, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? इतना तो मैं कर ही सकूं ना। जी ठीक है। इब कहा सुनी बहुत होगी, चलो मिलके केक काटते हैं। हाँ चलो चलो। अरे भाई कुछ म्यूजिक वगैरह तो बजाओ, थोड़ा डांस करेंगे। क्या हुआ भाई? जल्दी चला यार। क्या हुआ भाई? भाई म्यूजिक मैंने तो साथ छोड़ दिया भाई। क्या कह रहा है भाई? अरे एक काम तुझे बोला था, वो भी तुझे ढंग से ना हुआ। मैं पता नहीं क्या करूं यार। अब मैं सुन, अब तू कुछ कर सकता है यार, ये ले माइक। अरे इस माइक का मैं क्या करूं? तू कुछ कर सकता है भाई, संभाल ले। अरे ये तो आपकी पार्टी से प्रेम भाई, हम क्या कर सकते हैं माइक के साथ? संभाल ले भाई, इस माइक का मैं क्या करूं? क्या करें, ये सब ना थारे कारण हुआ है। मेरी कोई गलती ना से। मैंने तुझे कहा था ना कि जब भी चलती है ना मुसीबतों को घेरा लेकर चलती है। अरे इब तक म्यूजिक क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? म्यूजिक 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 म्यूजिक। एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदे रे। हम्मा
निकल जाए मेरे इतनी भी पास दुआ मत कहीं मेरे हाथों से न बात निकल जाए। बोलूंगा सच में जो दे तू इजाजत सबर भी अब करने लगा बगावत सुल्फे है सालिम और आंखें है आफत लगता है होने वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू न करना इंसाफी जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी। मास्टर जी जी मैंने भी तो खिलाओ वो गुलाब के फूल तुमने रखे थे ना मुझे मालूम था मैं फिजूल में तुम पे चिल्लाया सॉरी। प्रज्ञा जी जी मैं आपसे वो कहना चाहता था ना जी कि आप सबने इतनी तैयारी की और ये सब लेके आई पहली बार ऐसा है जी कि हमारा वैलेंटाइन डे इतना बढ़िया गया जी आपकी वजह से आज इतना अच्छा माहौल बना जी शुक्रिया शुक्रिया तेजी भाई हमारे को तो घना मजा आया इब देरी हो रही से चलते हैं। जी प्रज्ञा जी आज तो वाकई मजा आ गया जी अब केक पैक कर लो चलते हैं आज जी आज हैं गाइस आई होप कि आप सब लोगों ने पार्टी को एंजॉय किया बहुत अच्छा लगा प्रेम भाई जी आज की शाम को ध्यान में रखते हुए ये कुछ अवार्ड्स हैं जो आप में से कुछ कपल्स को दिए जाएंगे तो पहला अवार्ड दिया जाता है पेपर डांस के विजेता को जो है विनीत और प्रिया अगला अवार्ड जाता है सिरसा के सबसे फैशनेबल और स्टाइलिश कपल को राणा भाई और पिंकी भाभी को यो तो नहीं था कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों भाई से ना और ये लास्ट अवार्ड जिनके बारे में बोला जाता है रब ने बना दी जोड़ी
मानो एक दूसरे के लिए बने हों। उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत हेल्प की है और मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तो यह अवार्ड जाता है हरियाणा के आर्यन मैन लक्की भाई और कोमल भाभी को। अरे ये आयरन मैन को हथकड़ी क्यों लगी है? लगता है कुछ तो कांड किया होगा इन दोनों ने। हाँ तभी तो यो पुलिस की हथकड़ी लगी है इन दोनों के हाथों में।